one of the most powerful model rockets ever built in the entire world. I got Hey guys, what's up? Welcome back to the channel. So another good day here in Florida. And इस वीडियो में ये कोई नॉर्मल व्लॉग नहीं है जो यूजुअली मैं डालता था या डालता हूँ फिलहाल. सो ये बेसिकली एक प्रोजेक्ट के बारे में जिसका नाम आगे पता चलेगा. एंड एक रॉकेट है बेसिकली वो. तो ये पूरा वीडियो अबाउट रॉकेटरी एंड फिजिक्स मोस्टली और साइंस और इंजीनियरिंग होने वाले. तो सारे वो लोग जो लाइफस्टाइल या नॉर्मल डे टू डे व्लॉग्स देखने आए थे उनको ये वीडियो शायद अच्छा ना लगे और ये वीडियो काफ़ी लंबा भी हो सकता है कंपेयर टू अदर्स. लेट्स हेड टू द रॉकेट प्रोपल्शन लैब विदाउट एनी फर्दर एडो. So this is our rocket propulsion lab. So ये according to me is campus की one of the most exciting places है. So यहाँ पर हमने अपने सारे पिछले projects और सारे rockets and basically सारा projects का hardware वो सब इधर ही रखा है. So like ये सारे rocket tubes अभी या past में कभी ना कभी use किए गए या इन पर फिलहाल project चल रहा है. और ये येलो वाला जो सेंटर में ये एक 3-stage रॉकेट है. सो बेसिकली इसमें 3 इंजन है. सो जब इसे फायर करते हैं तो ये लॉन्च होता है, फिर वहाँ से सेगमेंट होता है, वापस लॉन्च होता है और वहाँ से सेगमेंट होकर वापस लॉन्च होता है. सो ये वो रॉकेट है जिसने लाइक वन ऑफ द हाईएस्ट एल्टीट्यूड टच किया है. सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मॉडल रॉकेट्स एवर बिल्ट इन द एंटायर वर्ल्ड. सो ये लाइक हमारा जो क्या बोलते हैं एस ऑफ ऑल द रॉकेट्स हियर जो है वो यही है. एंड देन उसके अलावा कुछ और प्रोजेक्ट्स चालू है. एंड बेसिकली यहाँ पर पूरा बॉडी वर्क या पेंटिंग डस्टिंग सैंडिंग वगैरह वो सब भी हम कंटिन्यूसली करते रहते हैं. सो ये वाला जो ये रॉकेट है इसका जो स्पेक्टर नाम है वो पता नहीं किस तरह का है, बट जेम्स बॉन्ड के जितने भी फैंस हैं उनको ये नाम बहुत अच्छा लगने वाला है जैसे मुझे लगा था. सो स्टैंडिंग एट रफली 100 inches tall, ये नॉर्मल रॉकेट्स जो मॉडल रॉकेट्स इधर दूसरे बहुत सारे या फिर बेसिकली जो मॉडल रॉकेट्स का एवरेज साइज होता है उनसे बहुत बड़ा है. सो ये लाइक वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रॉकेट्स है यहाँ पे एंड करेंटली वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं इस लैब के अंदर उसमें से एक भी फॉर श्योर है. सो बेसिकली हम रिसर्च क्या कर रहे हैं वो ये है. सो एट दीज होल्स जो यहाँ पे दो होल्स है दिस वन एंड दिस वन यहाँ पे कनाड्स होते हैं. सो मैं 2-3 पिक्चर अंदर डालता हूँ. सो कनाड्स बेसिकली एयरक्राफ्ट के बॉडी पे होते हैं जो छोटे फिन्स होते हैं जैसे किसी वेल या डॉल्फिन के सामने वाले फिन्स डॉर्सल फिन्स जो होते हैं. सो बेसिकली हम उनको ऑल्टर करते हैं जो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है रफेल एयरक्राफ्ट. सो रफेल एयरक्राफ्ट के जो नोज़ पे दो अलग से विंग्स है वो एक बहुत ही स्पेशल डिज़ाइन फीचर है. सो वैसे ही दो विंग्स हम इधर लगा रहे हैं उनके कनाड्स बोलते हैं. सो उसको हम ऐसे ऑल्टर कर रहे हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड मैन्यूवरिंग ऑफ द रॉकेट. सो इसके पीछे बहुत बहुत कोडिंग चल रहा है, बहुत सॉफ्टवेयर का काम बहुत ज़्यादा है. सो इस पे हमने एक्सेलेरोमीटर्स लगाए, जब ये स्पिन होगा तो हमें उसका
सेंट्रिपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस उस पर जो चल रहे हैं वो पता चलेंगे। ऊपर हमने एक जायरो सेंसर लगाया, नीचे भी एक जायरो सेंसर लगाया, सो जब वो ऐसे टिल्ट होगा एट एन एंगल या बेसिकली ग्राउंड से उसकी जो भी एंगल होगी वो हमें ईजिली पता चल जाएगी। और इस पे GPS भी है, बहुत सारे एक्सेलरोमीटर्स है एंड लाइक एवरी टाइप ऑफ सेंसर जो हो सकता है वो इसके अंदर है। सो वी आर कैलकुलेटिंग रफली 20 डिफरेंट सेंसर्स का इनपुट एंड देन हम इसे आउटपुट देंगे टू द कनाड्स ऑफ वेदर दे शुड टर्न। ओके, सो लेट मी टेल यू लाइक द बेसिक्स ऑफ रॉकेटरी। बहुत ही एमेच्योरिश कंसेप्ट में मैं या बहुत ही लेमैन टर्म्स में समझाने वाला हूँ। सो बेसिकली टू मेन पार्ट्स है इस टू एनी रॉकेट जो उसे मैन्यूवर करने में जो हेल्प करते हैं। वैसे तो बहुत सारे मेन पार्ट्स है, सो द टू इम्पॉर्टेंट पार्ट्स आर दीज फिन्स जो कि एरोडायनामिकली और बेसिकली एयर का फ्लो काउंटर और कंट्रोल करने में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये फिन्स एंड द अदर वन इज दिस। सो ये जो ट्यूब है इसका टिप जो होता है, जो रॉकेट का नोज होता है, बेसिकली हम अपना सारा मास इधर ऐड करने की कोशिश करते हैं। और दूसरा जो सेंटर ऑफ मास के अलावा जो दूसरा पॉइंट है वो है सेंटर ऑफ प्रेशर, क्योंकि ये फिन्स है तो सारे एरोडायनामिकली और जो एरोडायनामिक फोर्सेस होते हैं जितने भी बर्नुलीज प्रिंसिपल एंड ऑल दैट वो सब इधर एक्ट करता है। सो एक मास होता है टॉप पे जो रॉकेट को टिल्ट करता है और एक प्रेशर होता है जो बॉटम पे होता है जो उसे मैन्यूवर करने में हेल्प करता है। तो इन दोनों को ऑल्टर करके और इन दोनों को एडजस्ट करके हम उसकी गाइडेंस और उसकी ट्रेजेक्ट्री और टेलीमेट्री को चेंज कर सकते हैं। सो हियर्स व्हाट आई एम डूइंग फॉर द प्रोजेक्ट। सो ये मास्क उतार। सो लास्ट लॉन्च जब हुआ था वो मेरे इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करने के सिर्फ 3-4 दिन में हो गया था। सो उसमें मैं ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया था, बट जो लास्ट लॉन्च था उसमें हमने जो पूरा गाइडेंस सिस्टम है कैनार्ड्स को यूज़ करना, ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड एवरीथिंग, वो हमने उसका कोई टेस्ट नहीं किया था। हमने सिर्फ उसका मोटर और उसका रॉकेट और बेसिकली सब हार्डवेयर का टेस्ट किया था, सॉफ्टवेयर का कुछ भी टेस्ट नहीं किया था। सो उसमें जो मैं एक फुटेज क्यों करता हूँ इस साइड, तो जैसे ही रॉकेट लॉन्च हुआ था द फर्स्ट प्रॉब्लम दैट वी सॉ इट्स पिंड इट उस उड़ते ही उस पर कॉकस्क्रू इफेक्ट आ गया था और उसने बैरल रोल करना तुरंत चालू कर दिया था। सो वो क्यों हुआ था बेसिकली जब हमने ये फिन्स जो है इन्हें अटैच किया था। सो ये जॉइंट जो है स्पेशली ये जहाँ पे ये फिन बॉडी ट्यूब को अटैच होता है वो परफेक्टली परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इसे हमने 0.8 डिग्रीज इस वाले एंगल को ऊपर से यानी कि इस डायरेक्शन में 0.8 डिग्रीज टिल्ट कर दिया था। सो उसके वजह से सिर्फ 0.8 डिग्रीज के टिल्ट के वजह से जो एयर की फोर्सेस है, एरोडायनामिक फोर्सेस, उसने हमें एक वेक्टर दे दिया बेसिकली इन दी गलत डायरेक्शन जिस पे हमें नहीं चाहिए था और जस्ट रॉकेट स्टार्टेड स्पिनिंग। सो उसे ठीक करने का काम अभी मेरे को दिया है। एंड वो हुआ क्यों था बेसिकली 0.8 डिग्रीज का एंगल उसे डिफ्लेक्शन बोल भी नहीं सकते, वो नेग्लिजिबल डिफरेंस है, बट हमारा जो इंजन है वो बहुत पावरफुल हो रहा है, वो हमें 3 सेकेंड्स के अंदर अबव 350 माइल्स पर आवर की स्पीड पे लेके जाता है। सो इट इवन एट 0.8 डिग्री का डिफ्लेक्शन उस स्पीड पे बहुत बड़ा हमें ट्रैजिक दे सकता है। सो हाउ डू वी सॉल्व इट। सो बेसिकली first step of any engineering project is to CAD it. So thankfully jo hamare university ke connections hai with any of the big brands out there, Autodesk ho gaya, Dassault systems ho gaye ya kuch bhi, so hamare paas sare softwares, engineering softwares for free hai, unke licenses hai hamare paas, otherwise sirf in engineering softwares ka cost $5,000-$6,000 per year ho sakta hai, and like हमारे पास बेस्ट ऑफ द क्लास सॉफ्टवेयर है। सो उन पे एक क्लाउड सिस्टम होता है, अगर कोई और उसे एडिट कर रहा है तो मैं उसे देख सकता हूँ, बेसिकली सब एक क्लाउड पे स्टोर होता है और उस पे मल्टीपल लोग एक साथ काम कर सकते हैं एंड ऑल दैट। सो लेट्स गेट गो। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का द बेस्ट एंड द मोस्ट एफिशिएंट वे इज हाँ सो ये बेसिकली पहले वाला मॉडल था, ये नहीं था, मतलब
जस्ट एज अ स्केल हम इसको बोल सकते हैं, तो उस पर तीन तीन फिन्स थे लाइक दिस. सो उस पर फिन्स का जो एरोडायनेमिकल फोर्स था वो सिर्फ तीन का आ रहा था, तो वो नीचे से ज़्यादा स्टेबल नहीं था. तो उसे और स्टेबल बनाने के लिए उस पर चार फिन्स ऐड करने पड़ेंगे इंस्टेड ऑफ थ्री. इट शुड लुक समथिंग लाइक दिस. सो फोर फिन्स राइट ऑन द बॉटम, एंड ये जो फिन्स का 90 डिग्री वाला कनेक्शन है इससे हम एकदम स्टर्डी, और इसे तीन चार बार चेक करने वाले हैं अभी बिफोर वी फायर इट फाइनली. ओके, सो दिस इज व्हाट आवर मॉडल करेंटली लुक्स लाइक, एंड बहुत इस पर लाइक मेहनत गई है. सो हार्डवेयर का जो पार्ट है, जो हार्डवेयर की टीम है, वो बेसिकली मैं हैंडल कर रहा हूँ. सो हमें जो टास्क फिलहाल है वो ये है कि इसके जो तीन फिन्स है उन्हें हमें डाइसेक्ट करके चार बनाना है, एंड वी नीड टू फाइंड अ सोल्यूशन टू गेट रिड ऑफ जो हमारा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है कि ये फिन्स परफेक्ट 90 डिग्री पे नहीं सेट हो रहे. सो उसे भी ठीक करना है. सो थैंकफुली लाइक ये सॉफ्टवेयर मैं काफ़ी सालों से यूज़ कर रहा हूँ, सो मैं इससे वेल वर्स्ड हूँ. एंड सो इसे ठीक करने में कम से कम 1 से 1.5 घंटे लगने वाले हैं एज ऑफ इट. सो लग जाते हैं काम पे. Okay, so I am pretty much done with the CAD stuff now. अभी मैंने किस इस रॉकेट के इस ब्लू बॉडी को डाइसेक्ट कर दिया टू हैंडल द फोर फिन्स इंस्टेड ऑफ द थ्री दैट वर देयर अर्लियर. और मैंने एक स्पेशल सेट ऑफ रिंग्स भी ऐड किया है जो मेरे को बेस्ट सोल्यूशन लगा फॉर दिस. सो इन रिंग्स पे स्लॉट्स है, जैसे ये ब्लू डॉट्स से क्लियरली अभी दिख रहा है. ये स्लॉट्स पे हम इन फिन्स को ईजिली अटैच कर सकते हैं. सो ये अलाइनमेंट रिंग्स इन्हें बोल सकते हैं. सो ये स्लॉटेड रिंग्स लेज़र कट करके मिलेंगे कुछ टाइम में. एंड बेसिकली ये वाली इस प्रॉब्लम अभी काफ़ी सॉल्व हो गई है. अभी बस जो टास्क बचा है वो है इस डिज़ाइन को इधर इनकॉर्पोरेट करना जो मेन बॉडी है रॉकेट की, और उसके बाद इस पे बहुत सारे सिमुलेशंस रन करने पड़ेंगे कि इस मास के साथ और नए चार फिन्स और नए डिज़ाइन के साथ क्या होगा जब हम उसे लॉन्च करेंगे. सो ओपन रॉकेट और बहुत सारे डिफरेंट सिमुलेशन सॉफ्टवेयर्स पे फिजिकल इंजन्स फिजिक्स के इक्वेशंस रन करके देखने पड़ेंगे कि क्या होगा और क्या नहीं. सो दैट्स द नेक्स्ट टास्क फॉर नाउ. द मोटर ट्यूब बेसिकली, सो इसके अंदर हमारा इंजन होता है एंड दिस गिव्स ऑल द थ्रस्ट आउटवर्ड्स जब हम इसे इलेक्ट्रॉनिकली फायर करते हैं. बेसिकली जब एक डेटोनेशन चार्ज करते हैं. अब ये एक फिक्स डायमीटर का है, इसे थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा अभी ताकि वो बड़े इसको अकोमोडेट कर पाए, बड़े इंजन को. तो उसके लिए साइज को थोड़ा मेजर करना पड़ेगा, कैलिपर्स लेने पड़ेंगे. सो अलॉट ऑफ द टाइम लाइक जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है कि ये फट क्यों नहीं जाता जब इसमें इतना पावर है, और जब उसे इग्नाइट करते थे तो ये फट क्यों नहीं जाता. सो उसका आंसर बेसिकली ये है कि हम उसे नॉजल करते हैं ऑल द एनर्जी टू अ सिंगल पार्ट. इट्स बेसिकली लाइक
कंटेन्ड है, इन इन सिंपल वर्ड्स पूरी एनर्जी पूरी पावर कंटेन्ड है. सो बहुत बार हम चेंबर्स लाइक दिस यूज़ करते हैं, ऑल्दो दिस टाइम हम कोई चेंबर यूज़ नहीं करने वाले क्योंकि हमें बिल्कुल ब्लॉकेज नहीं चाहिए, शीयर पावर चाहिए आउटपुट. सो उसके लिए जो नोजल है उसे भी रीडिज़ाइन करना पड़ेगा. तो थैंकफुली किसी ने ऑलरेडी उसके सारे मेजरमेंट्स ले लिए और उसे उस क्लाउड पे डाल दिया, तो उधर से मैं उसे इजीली देख सकता हूँ. ओके, सो बिफोर एंडिंग कल कुछ पार्ट्स को डिज़ाइन किया था जो रॉकेट के इंटरनल पार्ट्स है. सो कुछ ज़्यादा बड़े पार्ट्स नहीं है, बट देन उनको प्रिंट करके लेना पड़ेगा. सो लेट्स हेड टू द 3D प्रिंटिंग लैब. Это безумная любовь, паразита, музыка, двору. Это свобода для души моей и близких пацанов. Это безумная любовь, паразита, музыка, двору. Thankfully, all three are empty right now. So, इधर थ्री है और लाइक फोर फाइव और उधर है, एंड देन उस तरफ लाइक थोड़े से और है. 20-30 प्रिंटर्स हैं इन टोटल, बट आज का दिन काफ़ी अच्छा है क्योंकि तीनों एम्प्टी है. सो मैं तीन चीज़ें प्रिंट करनी है, उन तीनों को एक साथ अलग अलग जगह पे कर सकता. सो लेट मी जस्ट लॉग इन टू लाइक द PC एंड द नेटवर्क अगेन, एंड फिर फटाफट प्रिंट पे डाल के वापस जाते हैं. Before entering print, let me just see कि इनके filament stacked है कि नहीं, cause मैं नहीं चाहता print के बीच में ख़त्म हो जाए ink. So this one's full. So I put everything back for printing and all three of them have like 7 hours of ETA. So 7 ghante tak abhi chhod dena padega teen machines. I got the 3D printing sorted out. I got the CAD model sorted out. And abhi sirf 4 tukde karne ek chhote se pipe ke, and that's the only thing that's left. Safety first. ओके, सो आज काफ़ी काम हो गया. लाइक पिछले 4 hours के आसपास से मैं यहीं पर हूँ, एंड काफ़ी लाइक आज ज़्यादा कुछ था नहीं. टुडे इज़ अ वीकेंड, सो मोस्ट ऑफ द टाइम आई कैन डू दी स्टफ. सो काफ़ी अभी भूख लग रही है. So that is it for this video, guys. I hope you liked it. What can I say? It is rocket science, actually. It is very tough. And chote chote cheezon se, chote chote mistakes se pura failure hone ka chance bahut zyada hai. I'll catch you guys again in the next one.